वेलकम टू माय ब्रांड न्यू रेसिपी। आज की मेरी ज़बरदस्त सी रेसिपी है दूध की मिठाई, जो कि घर पे बनाए आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है। अमूमन लोगों के घरों में गर्मियों में दूध जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और आपको पता है दूध अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जो फेंकने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो चलिए आज मैं इस टेंशन से भी आपको दूर करती हूँ, इसकी मैं बनाऊँगी बर्फ़ी। तो ये देखिए जनाब, हमारा दूध हो गया था ख़राब, इसको मैंने अच्छी तरह से काट लिया। जैसे ये अच्छे तरह से कट जाए, कट के ये बिल्कुल रबड़ी टाइप हो जाता है। ये देखिए दूध जो है वो बॉयल हो रहा है। इसी तरह आपने इसको कम से कम 10 से 15 मिनट ना मज़ीद नॉर्मल आंच पे इस तरह उबालते रहना है। ये देखिए इस तरह जो ज़्यादा उबल के जो दूध है ना वो इस तरह बन जाएगा ठीक ठीक सा। ये आपने रेसिपी स्टेप बाय स्टेप सीखनी है, अगर ये आपने स्टेप बाय स्टेप ना देखी तो उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ख़राब हो जाएगी। ये देखिए सारा जो है पानी, एक्स्ट्रा पानी था दूध का, वो ड्राई हो गया है। इसको और मज़ीद अच्छी तरह हमने पकाना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये देखें ये जो है थोड़ा सा पानी वो भी ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर जाएगी चीनी, बिल्कुल इस स्टेज पे जब फुल फाइनल जो है ना दूध ड्राई होके खोया टाइप बन जाए, इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। उसके बाद इसको चीनी करना है अच्छी तरह मिक्स, ताकि ये मुंह में ना आए। कुछ लोगों को चीनी पसंद है, वो ऊपर से भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो मिक्स चीनी पसंद है, इसलिए मैंने पहले ही उसको डाल के अंदर मिक्स कर लिया। ये देखिए ये डन हो गई है हमारी बर्फ़ी। इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट हमने लाइट जो है ना चूल्हे की आँच में पकने देना है, ताकि इसका जो कलर है वो वाइट से थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका कलर जो है ब्राउन हो गया है। ज़बरदस्त सी जो बर्फ़ी है वो भुनी भी गई है। अब इसको हमने थोड़ा सा करना है ठंडा। ठंडा करने के बाद एक वो बटर पेपर लेना है, उसको हमने किसी भी प्लेट पे या बाउल के अंदर रख के इसके अंदर ये सारा बर्फ़ी का मिक्सचर ऐड कर देना है और इसको मज़ीद ठंडा होने देना है। इसके स्लाइसेस तब ही अच्छे होंगे जब ये ठंडी होगी, गर्म गर्म के स्लाइसेस ना करिएगा टूट जाएगी, क्योंकि मेरे से ये थोड़ी सी गलती हो चुकी थी। ये देखिए अब इसको करूँगी मैं सेट। ज़बरदस्त सी जो है बर्फ़ी मेरी तैयार होगी। अब इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करने के लिए थोड़े से बादाम ऐड करूँगी। आपके पास नारियल है वो ऐड कर लें, आपके पास पिस्ता है, अखरोट है, जो सब ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे। देखिए ज़बरदस्त सी बर्फ़ी ठंडी हो गई। अब मैंने इसको कर दिया स्लाइसिस में कन्वर्ट। टेंटेना ज़बरदस्त सी जो बर्फ़ी है वो तैयार हो गई है, खालिस मज़ेदार। आपका दूध भी ज़ाया नहीं होगा और आपको टेंशन भी नहीं होगी, कोई मेहमान आया आप उसको भी सर्व कर सकते हैं। घर में कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है तो झटपट ये तकरीबन 20 से 25 मिनट बन जाती है। इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।